मैडम अभी कुछ नहीं बता सकते, कुछ टाइम नहीं बता अभी। अभी क्या हो रहा है सर यहाँ पर? लाइन कितना समय लगेगा? देखिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, ये कहना है कि अभी समय लग सकता है क्योंकि काम तो जारी है, लेकिन जो यहाँ पर क्षति हुई है, पटरियों की भी यहाँ पर क्षति हुई है, ट्रैक जो है वो पूरी तरीके से जो है वो भी बिखर चुके हैं, और ऐसे में उनका ये कहना है कि अभी नहीं बताया जा सकता कि आखिर कितना टाइम लगेगा। और ये देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर कोशिश यही हो रही है कि जल्द से जल्द जो पटरी है उसको सबसे पहले दुरुस्त किया जाए। हालांकि अभी यहाँ पर जो कल की जो अगर हम बात करें तो पटरी के बीचों बीच जो डिब्बे थे वो पूरी तरीके से यहाँ पर बिखरे हुए नजर आ रहे थे। हालांकि अभी पटरी से जो है डिब्बे को हटा लिया गया है, और उस पार अगर हम पटरी के उस पार देखें तो चार ऐसे कंचनजंगा के डिब्बे हैं जो पूरी तरीके से यहाँ पर टूट चुके हैं, क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। और यही वो मंजर है जब हादसा हुआ था। इस समय कई लोगों ने उस तस्वीरों को अपने कैमरे में भी कैद किया है। उनका कहना है कि जब हादसा हुआ था तो वो स्थिति देखने लायक नहीं थी। कई लोग ऐसे थे जो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद है और वो चीजें दिखा रहे हैं जो इस वक्त वहां चल रही है। लेकिन चलिए वापस आपके पास लौटेंगे, बात पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग रेल हादसे की एक बार फिर करते हैं। सोमवार को देखिए ग्राफिक्स जरिए आपको बता रहे क्या हुआ। सोमवार को मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को टक्कर मारी थी और इस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, लेकिन अब अपडेट है कि 10 लोगों की मौत हो गई है, करीब करीब 25 लोग घायल हैं। इस रेल हादसे पर अब सियासत भी गर्मा गई है, सियासी दल के नेता राजनीतिक बयानबाजी भी कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से ये बयानबाजी यहां हो रही है। और अगली बड़ी खबर क्या बताएंगे हमारे सहयोगी सुजाता। इधर प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी पारी के अभी कुछ ही दिन हुए हैं, लेकिन दो फ्रंट से आई चुनौतियों से निपटने के लिए मोदी शाह की जोड़ी ने पूरी तैयारी कर ली है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पर बैठक की और फिर मणिपुर के हालात पर चर्चा की गई। आपको एक रिपोर्ट के जरिए बताते हैं मोदी सरकार ने कैसे देश के दुश्मनों का सफाया करने की फाइनल तैयारी कर ली है।